दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में हो रही भारी बरसात ने राज्यों में तबाही मचा कर रख दी है। वहीं दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाकों में मौसम उमस भरा रहा है, लेकिन अब उत्तरी राज्यों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। इस क्लाइमेट वेदर के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र पहले ही बन चुका है और सिस्टम के मध्य भागों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और यह पूर्वी राजस्थान तक आ सकता है, जबकि मौसमी सिस्टम कमजोर होंगे। हालांकि पाकिस्तान पर बनने वाले चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में बढ़ने की उम्मीद है, जो इस सिस्टम की सहायता करेगा और इसके कारण क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। इसकी वजह से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 24 घंटे के आसपास बारिश होने के आसार हैं। एक अन्य सिस्टम भी इस महीने के अंत तक इस क्षेत्र में बारिश जारी रखने में मदद कर सकता है। वहीं दोस्तों स्काई मेट की बात की जाए तो स्काई मेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, केरल के अलग अलग हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं कच्छ, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन सोमवार से दिल्ली में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं अगले 24 से 48 घंटों की बात की जाए तो दिल्ली में धीमी बारिश होगी, लेकिन इसके बाद भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों राजधानी में मानसून की एंट्री भले ही देरी से हुई, लेकिन अभी तक यहां पर्याप्त बारिश हो चुकी है। वहीं दोस्तों राजस्थान के कुछ इलाकों में भी धीमा पड़ा मानसून अगले 4 दिन तक सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। जोधपुर व कोटा संभाग में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर दोस्तों शनिवार और रविवार को कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग में शनिवार और रविवार को भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अन्य संभाग में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुल मिलाकर 4 दिन तक पूरे राजस्थान में बारिश की मेहरबानी रहेगी। तो दोस्तों यह थे आज के मौसम अपडेट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।